आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के स्वच्छ सर्वेक्षण की बैठक नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के नव निर्मित कार्यालय भवन में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ किए गए कार्यों के सत्यापन की जाँच करने के लिए नई दिल्ली से टीम गोरखपुर के नगर निगम में आने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की पूरी टीम ने जो तैयारी की है उसी के संबंध में तथा कैसे इसे बेहतर बनाया जाए इसी के संबंध में ये बैठक बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा लगातार स्वच्छता की मुहिम चलाई जा रही है, उसको लेकर पब्लिक के अंदर कितनी जागरूकता आई है उसको जानने की कोशिश करेंगे। बैठक में अपर नगर आयुक्त आरबी सिंह, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, महाप्रबंधक जलकल सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी, सहायक नगर आयुक्त मणिभूषण तिवारी, जोनल अधिकारी अमरेश बहादुर पाल सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 स्टार्ट होने जा रहा है। 2020-2021 में नगर निगम ने जो काम किया है उसको देखते हुए मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग थोड़ा सा रणनीति बनाकर काम करें कि हम कौन सा ऐसा काम करें जहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके, तो निश्चित रूप से गोरखपुर नगर निगम, हमारा गोरखपुर शहर इस बार की जो रैंकिंग आएगी उसमें निश्चित रूप से अंडर 10 के अंदर वो आएगा। इसमें जो हमारी पूरी स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी करने के लिए हम लोगों ने जो एक टीम बनाई है उस टीम में जहां अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, उपनगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय पूरा सुपरविजन करेंगे, ग्रास रूट लेवल तक जाकर इसकी चेकिंग करेंगे, वहीं पर शासन से कम्युनिकेशन बनाना, जो टीम आएगी दिल्ली से स्वच्छ सर्वेक्षण का सत्यापन करने, उससे संवाद कायम करना, उससे कम्युनिकेशन बनाए रखना और गोरखपुर के नोडल ऑफिसर जोनल अधिकारी एक श्री मणिभूषण तिवारी जी रहेंगे और उनके साथ वो लोग रहेंगे साथ में उनके, और इसके साथ ही जो हमारी यहाँ पे स्वच्छ इस पूरी स्वच्छ सर्वेक्षण में जो हमारा एक लाइन का मतलब आप कह सकते हो कि मूल वाक्य है, पिछले साल की तुलना बहुत ही थी, जल संयोजन शुल्क बहुत कम हो गया है, आपका जो सड़क उत्खनन क्षतिपूर्ति शुल्क है जलकर विभाग का वो आधी रह गई है, ये तमाम पॉइंट आपके हैं, आप इसकी चाहे व्हाट्सएप दे दो भी संज्ञान में होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो है अति शीघ्र ही जो स्टार्ट होने जा रहा है और भारत सरकार से स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत किए गए कार्यों का स्थलीय सत्यापन और जो उसके डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए गए हैं उसकी जांच करने के लिए अति शीघ्र जो है टीम गोरखपुर नगर निगम में आने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो सभी हमारी पूरी टीम ने जो एक तैयारी की है उसके संबंध में उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे उसको जो फिनिशिंग टच है उस फिनिशिंग टच के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई है। इसमें हमारे जो सभी अधिकारी मौजूद हैं, इसमें हमारे जो स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए नोडल अधिकारी श्री मणिभूषण तिवारी जी को बनाया गया है, वो अभी डिटेल में सबको बताएंगे कि जब टीम आएगी और उसकी टीम की जो चूँकि टीम हो सकता है कि यहाँ पर 2 से 3 दिन या 4 दिन भी यहाँ पर रुक सकती है, वो अलग अलग जाकर अलग अलग चाहे हमारे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो, चाहे जो हमारा गोबर से कंपोस्ट बनने की बात हो या जो ड्राई वेस्ट से
और ये जो गीला कूड़ा है उससे जो हमारी कंपोस्ट बनने की बात हो, या जो हम लोगों ने डस्टबिन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, या जो अन्य जो हम लोगों ने स्वच्छता के लिए पूरे जो एक हॉट स्पॉट हैं, गार्बेज मैनेजमेंट पॉइंट हैं, उनका जो अभी उनका निस्तारण किया है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बन रहा है, इन तमाम चीज़ों को वो जो आयकर देखेंगी, प्लस जो गोरखपुर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जो लगातार ये एक स्वच्छता की मुहिम चलाई जा रही है उसको लेकर पब्लिक के अंदर किस प्रकार का क्या रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को भी वो लोग जानेंगे। और ये जो अभियान चलाया जा रहा है पब्लिक के अंदर कितनी हद तक जागरूकता आई है, इन तमाम बातों को लेकर वो टीम सर्वे करेगी। उसी सर्वे को लेकर तैयारियों के संबंध में ये बैठक बुलाई गई है और कोशिश ये की जा रही है कि इसी बैठक के माध्यम से आने वाले समय में हम अपनी पूरी तैयारियों को फिनिशिंग टच देकर अपने इस सत्यापन के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें।